Welcome to my happy place. Or I feel peaceful now. मैं बोलूँगी कि शुरुआत तो हुई थी जब मैं 4 साल की थी. काम तब से कर रही हूँ. But I would say that एक ड्रीम की शुरुआत हमेशा यहाँ से होती है. और मैंने अपना खुद का घर बनाने का जो ड्रीम देखा वो बहुत साल पहले देखा, कुछ तकरीबन 2010-11 के टाइम पे. और मैंने ये डिसाइड किया था कि एक घर होगा मेरा जहाँ पे प्लांट्स होंगे, एक छोटा सा पपी होगा. और आज इतने सालों बाद वो फाइनली हो रहा है. और मैं ये बोलूँगी कि अभी लग रहा है यहाँ घर पे बैठ के कि हो गया, बट वो इतना आसान नहीं था. और मतलब एक टाइम था जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सचमुच ये मैनिफेस्ट कर पाऊँगी. क्योंकि मुंबई में घर होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अभी जो इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहा है. और इसमें घर होना, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. यस, I think more than manifestation, I believe in love. Something that you really, truly, truly love, आपको वो मिल जाता है. It's not just something that you want, that you get. It's always something that you love. दिल से आप प्यार करते हो, उस चीज़ के लिए आपको एक प्यार है, you get it. And I genuinely wanted my house. मैं पिंट्रस्ट पे देखती रहती थी कि ऐसा होगा, टेबल ऐसा होगा, काउच ऐसा होगा, टीवी ये ही लेना है, ये मॉडल का लेना है. इतना सब कुछ क्लियर था. एंड फॉर दैट यू नीड एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ लव फॉर समथिंग टू हैपन, तभी वो चीज़ होती है. और कंसिस्टेंसी, और मैं बोलूँगी कि शिद्दत के साथ एक एक दिन आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे एक्शंस लेने चाहिए, तभी वो होता है. मतलब आज मैंने इमेजिन किया हाथी और दूसरे मिनट में हाथी घर में आ गया. दैट विल बी हॉरिबल. यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर ड्रीम. आई थिंक आई वॉज वेरी स्पेसिफिक अबाउट मुझे क्या चाहिए. तो हाँ, हो गया मैनिफेस्ट. ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं बहुत जान पहचान की हैं, आप सबको पता है. वो है केतकी माटे गाँवकर. मैंने खुद नहीं किया इतना कुछ. बहुत मुझे टू मच मुझे नहीं चाहिए था, बहुत कम चाहिए था. बट घर लगना चाहिए. ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम लोग 5-स्टार होटल में आके रह रहे हैं एवरी डे. वो नहीं चाहिए था. घर में आके चलो अभी घर आ गई हूँ ये फीलिंग आना चाहिए. तो पहली तो चीज़ ये थी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि बाकी सब कुछ लेने से पहले मैंने जो मेरा पहला ड्रीम था, जो पियानो था, जो मैंने कुछ साल पहले लिया, 5 साल पहले, वो एक ड्रीम मेरा पूरा हो गया. वो पहले मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया और उसके अकॉर्डिंग बाकी सब कुछ लिया. और ये जो कलर्स हैं ये सब मेरी ही चॉइस है. मैं ये बोलूँगी कि आई थिंक जो रंग आपको खुशी देते हैं, जो आपका मन शांत करते हैं, वैसे कलर्स घर में होना बहुत अच्छा होता है. और इसीलिए मैंने प्लांट्स भी घर में रखे हैं. दे गिव यू सच अ पॉजिटिव एनर्जी. तो या सी, आपको ना एक चीज़ अगर चाहिए तो उसे अपने आप आपके पास आने दो.
उसे जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके उसको हासिल करने की कोशिश मत करो, नहीं तो वो आपसे दूर भाग जाएगी. मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट कीप विशिंग फॉर इट एंड बी पॉजिटिव कि ये होगा. बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट, और खुद ब खुद वो आपके पास आ जाएगी. यू विल नेवर नो कि कैसे हुआ, लेकिन हो गया. आप अगर उसके मतलब आप क्या करते हो अल्टीमेटली, कि आप अगर अपना दिमाग लगाते हो ना वहाँ पे कि मैं ऐसे करके ही ये मैनिफेस्ट करूँगी या करूँगा, वो कभी नहीं होता. और ऐसे कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हो सकता, ये एटीट्यूड कभी भी ये मैंने खुद सीखा है कि ऐसे करके कभी भी कोई चीज़ आपको नहीं मिलती. यू जस्ट हैव टू लेट इट गो. विश, ड्रीम फॉर इट, विश फॉर इट एंड जस्ट लेट इट गो. जस्ट लेट इट गो, लेट इट फ्लाई एंड देन आप यूनिवर्स पे छोड़ दो. ही नोज मच 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 बेटर देन यू कि उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है. आपका इंटेलिजेंस उतना नहीं है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के सामने. तो मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स के इंटेलिजेंस के बीच में मत आओ, उसको देखने दो और वो हो जाएगा. एंड आई वुड लाइक टू से कि ये जो मैं कर पाई हूँ या ये घर जो है, ये इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा को. आई वुड लाइक टू थैंक गॉड एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैंस, क्योंकि आप ही लोग हैं जो मेरी फिल्में देखते हैं, मेरे गाने सुनते हैं, और अगर वो गाने चलते हैं, फिल्में चलती हैं, तो मुझे और काम मिलता है. और जैसे और काम मिलता है, मैं अपने सपने पूरे कर पाती हूँ. तो आपका एक टिकट मेरे सपने पूरा कर रहा है. आपको सिर्फ एक ऑटोग्राफ या फिर सिग्नेचर, आप उसके लिए यू आस्क अस कि कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट इट्स नथिंग. एन ऑटोग्राफ इज नथिंग कंपेयर्ड टू वॉट यू हैव डन फॉर अस. तो हमारा जो भी काम है आपके लिए है, आपके आशीर्वाद, आपके प्यार के लिए हम लोग बहुत तरसते हैं. तो मुझे वो प्यार चाहिए, सबको प्यार चाहिए होता है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए. तो ऐसे ही प्यार करते रहिए और मेरे घर को ब्लेस कीजिए. और या मैं आपको ये विश करूँगी, आप जिन जिन लोगों का ये सपना है आप में से कि घर हो, तो वो ज़रूर पूरा हो. थैंक यू.